लोहरदगा पहुंचे राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स और व्यापारी संघ ने मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। बता दें कि राज्य में कृषि विधेयक का पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है और व्यापारी हड़ताल पर हैं। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने केंद्र सरकार पर विधेयक पारित कराने के लिए राज्य सरकार और कृषि मंत्रालय पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दबाव के कारण मजबूरी में कानून पास किया गया है ताकि देश में संघीय ढांचे में सभी राज्य आ सकें। मंत्री ने भरोसा दिया कि अभी कानून बना नहीं है, जहां जरूरत होगी व्यापारियों के हित और सुविधा के लिए कानून बनाया जाएगा। सरकार व्यापारियों की अनदेखी नहीं करेगी। कृषि कानून नहीं है, एक ही बाजार में जो मॉडल एक्ट के बारे में बात की जा रही है, पूरे देश में संघीय ढांचे में बराबर केंद्र के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी, वहाँ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी का पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव जी को, हमारे विभाग को बराबर वहाँ से पत्र प्राप्त हो रहा है कि पूरे देश में सभी किसानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। उसके लिए मॉडल एक्ट जो 17 का है उसे आप अपनाइए। पत्राचार में यहाँ तक भी कहा गया कि यदि आप इसे नहीं अपनाते हैं तो विभिन्न तरह के योजनाओं जिसमें केंद्र का आपको सहयोग मिलता है उसकी राशि रोक दी जाएगी। अब फेडरल सिस्टम में कंप्लायंस करना पड़ता है, पूरे देश में जो व्यवस्था अपनाई जा रही है उसे हम लोग अपनाने का प्रयास करते हैं। अभी जो हमने अप टू 2% और 1% नॉन पेरिसेबल और पेरिसेबल आइटम्स पे विचार किया है, मैक्सिमम अभी रूल्स बने नहीं हैं, गवर्नर साहब का अप्रूवल मिला है, हमने चैम्बर के प्रतिनिधियों के साथ दो दौर की वार्ता हुई, हमने उनको कहा कि जहां रूल्स बनेंगे वहां आपके ही हितों के रक्षा के लिए आपके अनुसार प्रावधानों को लागू करेंगे। इस दौरान कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू भी उनके साथ मौजूद रहे। न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, आरटीई से भी एडमिशन जारी है। सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।